मुस्लिम लीग नून का नैब का इदारा खत्म करने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक केस का तारीखी फैसला दिया। एहतसाब का खोखलापन अवाम के सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नैब को हुकूमती बेंचों के केसेस नजर नहीं आते। फैसले ने नैब को अपोजिशन को दबाने का आला साबित कर दिया। ये नाअहल, नालायक और करप्ट हुकूमत है। हुकूमत पाकिस्तान को जमहूरी नहीं फैंटाक्रेसी बनाना चाहती है। इस हुकूमत को घर भेजना मुल्क के तशखुस के लिए नागुजीर हो चुका है। जाती अना के लिए, जाती अगराज व मकासद के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी दिन इंसाफ का बोलबाला जरूर होता है। ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, इसको पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया। बड़ा आसान था, सिर झुका लेते, तकरीरें नहीं करूँगा आपके खिलाफ, मैं असेंबली में नहीं बोलूँगा। साद रफीक ने फैसला किया कि मैं मुकाबला करूँगा। ये हुकूमत पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बल्कि फैंटाक्रेसी बनाना चाहती है कि जो हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको फेंटा लगेगा। कराची के लोग जिनको इन्होंने धोखे से वोट लिए थे वो बिलक रहे हैं, ना बिजली है ना पानी है। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के साथ इस मुल्क में रियासत ने मुसलसल बदसलूकी की है। हमें चोर और डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। एक डिज़ाइन बंदों का है, एक डिज़ाइन रहमान का है।